A very good morning, dear students. Welcome back in the BBVN online classes. In class 12th commerce subject economics, we were discussing about the national income. In this video, we are going to discuss about the concept of a GDP, that is a real GDP and nominal GDP. Examination point of view से topic बहुत ही important है, exam में आता आया है आएगा confirm. हमारे पास चार पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क, और हर पैटर्न में यहां से क्वेश्चन आ ही जाता है. ठीक है, अब अपन कहेंगे है क्या रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी है क्या? तो हमें ये तो पता है भाई जीडीपी क्या होता है. जीडीपी की डेफिनेशन तो आती है, क्या होती है? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. अब ये तो जीडीपी की डेफिनेशन होती है, ये रियल क्या है? ये रियल क्या है, यानी कि जीडीपी एट बेस ईयर प्राइसेस. जीडीपी एट बेस ईयर प्राइसेस. तो आप कहेंगे सर आपने देखा कि 1, 3, 4, 6 किसी भी नंबर में आ सकता है, तो क्या खाली आंसर इतना सा लिखे? नहीं. फिर आंसर क्या लिखेंगे? पहले जीडीपी की डेफिनेशन लिखो. जीडीपी की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? आपको आती? मेरे साथ बोले, क्या बोले? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर रेफरिंग टू बेस ईयर प्राइसेस इज टर्म्ड एज रियल जीडीपी. इजी है क्या? यानी कि जीडीपी की डेफिनेशन बोली और लास्ट में क्या कर दिया? रेफरिंग टू बेस ईयर प्राइसेस, दैट इज रियल जीडीपी. इजी है ना? अब यही काम अगर नॉमिनल जीडीपी में होता है तो नॉमिनल जीडीपी में अपन ये क्या लिख देते हैं? जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस. दोबारा वही चीज, यहां पर अगर मुझे नॉमिनल जीडीपी को एक्सप्लेन करना हो तो क्या लिखूं? तो जीडीपी की डेफिनेशन बोलो फिर. मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर रेफरिंग टू करंट ईयर या फिर प्रीवेलिंग. करंट ईयर लिखें या फिर प्रीवेलिंग प्राइसेस लिखें? करंट ईयर प्राइसेस और प्रीवेलिंग प्राइसेस. ये मेरे पास है सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों का, रियल जीडीपी का, नॉमिनल जीडीपी का. अब अपन कहते हैं सर ये तो कॉन्सेप्ट कभी समझ में नहीं आया. कोई बात नहीं आया, अभी नीचे देखते हैं. अपन कहते हैं कि मान लीजिए आपने 2011-2021 दो ईयर के लिए आपको जीडीपी कंप्यूट करना है. 2011-2021 ये आपके पास में प्राइस, ये आपके पास में क्वांटिटी, ये मार्केट वैल्यू, ये प्राइस क्वांटिटी, ये मार्केट वैल्यू. मान लेते हैं 2011 में प्राइस भी 100 थी, क्वांटिटी भी 100 थी, मार्केट वैल्यू, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी. ये वैल्यू आ गई आपके पास में 10,000. अब क्योंकि बेस ईयर सेम है 2011, तो ये दोनों में सेम होना है, 100 ही प्राइस है, 100 ही क्वांटिटी है, मार्केट वैल्यू होगी आपके पास में 10,000. अब सपोज मैं आपसे कहता हूं कि भैया जीडीपी गॉट डबल्ड, जीडीपी गॉट डबल्ड का मतलब मार्केट वैल्यू डबल हो गई. जीडीपी गॉट डबल्ड, जीडीपी अगर डबल हो जाए तो जीडीपी डबल होने का मतलब तो कॉमन सी बात हो गई, दोनों ही जगह पर जीडीपी डबल हो गया. समझ में आती है ये चीज? अब देखिएगा फर्क कहां आता है, जब अपन बेस ईयर की बात करते हैं तो यहां पर रियल जीडीपी में प्राइसेस विल रिमेन कॉन्स्टेंट. प्राइसेस क्या होंगी? कांस्टेंट रहेंगी. प्राइसेस अगर कांस्टेंट है इसका मतलब आउटपुट, आउटपुट आप निकाल सकते हैं क्या? मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस, यानी कि आपके पास में ये आउटपुट कितना आ गया? 200 यूनिट्स का आ जाएगा, यानी कि आउटपुट रेज हुआ है. इस कंडीशन में आउटपुट क्या हुआ है आपके पास में? रेज हुआ है, बड़ा है. ये चीज समझ में आती? अब यही चीज यहां कंपेयर करें, नाउ इट इज नॉट नेसेसरी टू keep the prices constant, there may be inflation. क्या हो सकती है?
इन्फ्लेशन हो सकती है, महंगाई हो सकती है। अब अगर महंगाई हो सकती है तो महंगाई का स्तर आप मानते हैं कि भैया लगभग दुगना हो चुका है, तो ये प्राइसेस 200 हो जाती है, तो आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं। क्वांटिटी दोबारा वैसे निकालेंगे, मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाई प्राइस, क्वांटिटी आपके पास में 100 ही है। इस कंडीशन में आउटपुट पर इफेक्ट नहीं आया, आउटपुट कांस्टेंट है यहां पर। अब ये कांस्टेंट भी हो सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है यहां पर। ये डिपेंड करेगा प्राइस पर, किस पर डिपेंड करेगा? प्राइस पर। अब अगर प्राइस इंक्रीज हुई तो आउटपुट कम हो जाएगा, प्राइस कांस्टेंट है तो आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, अगर प्राइस डिक्रीज कर गई तो आउटपुट और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है आप देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है, बढ़ रही है, तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगी, वैसे वैसे आउटपुट का लेवल बढ़ने के चांस नहीं है, कम भले ही हो सकता है, है ना? तो अब इसका इफेक्ट क्या आएगा, अगर आउटपुट बढ़ता है तो आउटपुट डायरेक्टली कोरिलेटेड है एम्प्लॉयमेंट के साथ में, किसके साथ में? एम्प्लॉयमेंट के साथ में। अगर रियल जीडीपी की बात करते हैं तो आउटपुट अगर इंक्रीज करता है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और लोगों को अगर नौकरी ज्यादा मिलेगी तो उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम अगर बढ़ेगी तो खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे अगर बढ़ेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, यानी कि इकोनॉमी ग्रो करेगी। इकोनॉमी क्या करेगी? ग्रो करेगी। कौन सी कंडीशन में? रियल जीडीपी में। किस कंडीशन में? रियल जीडीपी में। ये कंडीशन तो अच्छी है, ये वाली कंडीशन हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी है, जब आउटपुट इंक्रीज होता है तो। लेकिन अगर यहां देखते हैं तो आउटपुट तो कांस्टेंट है, प्राइसेस बढ़ जाने की वजह से लोगों की जो रियल इनकम है वो क्या हो जाएगी? रियल इनकम क्या हो जाएगी? कम, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी कम हो जाएगी उनकी। जब उनकी रियल इनकम कम हो जाएगी तो वो खर्चा ज्यादा कर पाएंगे या कम करेंगे? खर्चा कम करेंगे, यानी कि वो सी जो है उनका कंजम्पशन कम हो जाएगा। कंजम्पशन अगर कम होगा तो एडी क्या हो जाएगा? कम होगा। और एग्रीगेट डिमांड अगर कम होगी, डिमांड ही कम होगी, तो प्रोड्यूसर सामान बना करके रखेगा किसके लिए? बनाएगा क्या सामान? जब लोग खरीदेंगे इनको सामान बना के रखें? नहीं रखेंगे, यानी कि प्रोड्यूसर्स विल रिमेन विद अनसोल्ड स्टॉक टू क्लियर आउट देयर स्टॉक, दे विल हैव टू रिड्यूस देयर प्राइसेस एंड दे विल हैव टू मेक सैक्रिफाइस विद द प्रॉफिट्स, एंड व्हेन The profit margin is decreasing, they will think to produce less in the future. As a result, aggregate supply will fall. As a result, aggregate supply will fall. अगर aggregate supply fall करेगा तो उसका सीधा इफेक्ट आएगा employment पर। किस पर आएगा? Employment भी क्या करेगा? Decline करेगा। अब अगर employment decline करेगा तो income भी क्या करेगी उनकी? Decline करेगी। यानी कि कुल मिलाकर क्या आप देख सकते हैं, जब इनकम डिक्लाइन करेगी तो दोबारा सी डिक्लाइन करना शुरू कर देगा, कंजम्पशन कम हो जाएंगे। तो दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है आपको साफ साफ। है जीडीपी, है जीडीपी, लेकिन यहां पर अल्टीमेटली एडी का बढ़ना, कंजम्पशन का बढ़ना, और यहां पर एडी का कम होना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कम होना, इनकम का कम होना आपको साफ दिखाई देता है। तो दोनों में से कौन सी कंडीशन अच्छी है? पहले वाली ना। इसका मतलब इट इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ अ पीपल वेलफेयर। ये क्या है? गुड इंडिकेटर है, अच्छा इंडिकेटर है, गुड इंडिकेटर ऑफ पीपल वेलफेयर, ये अच्छा इंडिकेटर है। लेकिन फिर वो क्या है? इट इज नॉट अ गुड इंडिकेटर, इट इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ पीपल वेलफेयर। ये तीन डिफरेंसेस आ गए आपके आपके सामने। पहला इसका मीनिंग, दूसरा न्यूमेरिकल एग्जांपल, तीसरा इसका इंप्लीकेशन, और एक चौथा आपके पास में डिफरेंस आ गया, इंडिकेटर ऑफ पीपल वेलफेयर। क्या आ गया? इंडिकेटर ऑफ पीपल वेलफेयर। पहला क्या था? मीनिंग। दूसरा न्यूमेरिकल एग्जांपल। ये तीसरा जो मैंने आपको शो किया, ये इसका इंप्लीकेशन है, इसका प्रभाव है, और चौथा इंडिकेटर ऑफ पीपल वेलफेयर। मेरे पास ये डिफरेंसेस आ गए। अब मुझसे अगर केवल रियल जीडीपी पूछा जाए तो मैं केवल रियल जीडीपी के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझसे अगर केवल नॉमिनल जीडीपी पूछा जाए मैं नॉमिनल जीडीपी के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझसे अगर इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाए, कंपैरिजन पूछा जाए, मैं पूरा लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए
वहां पर अगर बात करते हैं अपन कि भाई अगर मेरे पास नॉमिनल जीडीपी है तो मुझे क्या करना होता है, कई बार एक वर्ड आता है जीडीपी डिफ्लेटर। क्या आता है? जीडीपी डिफ्लेटर है क्या वो, अभी देखते हैं। देखो मुझसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इंडेक्सिंग को लेकर के, जीडीपी डिफ्लेटर फॉर्मूला लिख लें। एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस अपॉन जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस। अब क्योंकि ये इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर दें? 100 से। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या हो गया? इट इज द रेशियो बिटवीन द जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट ईयर या कांस्टेंट प्राइसेस या बेस ईयर प्राइसेस। ठीक है, इसी को आप यू भी लिख सकते हैं, करंट ईयर प्राइसेस। इसका मतलब ये तो नॉमिनल जीडीपी हो गया, ये तो क्या हो गया, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। अब आपको करना क्या होगा, आपको वो इंडेक्स की वैल्यू देगा, इन तीन आइटम में से वो आपको कोई भी दो आइटम दे देगा एग्जाम में, इन तीन आइटम में से वो आपको कोई भी दो आइटम दे देगा और तीसरा आइटम पूछेगा। आप निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको इंडेक्सिंग निकालनी है, नॉमिनल जीडीपी की प्राइस, किसी भी गुड की प्राइस उसने दे रखी है, नॉमिनल जीडीपी प्राइस उसने दे रखी है, मान लेते हैं 110, और रियल जीडीपी की वैल्यू दे रखी है 80, इसको 20 कर देते हैं, 120 अपॉन 80 इंटू 100। अब अगर आपको इंडेक्सिंग की वैल्यू निकालनी है तो इंडेक्सिंग की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको सीधे सीधे सॉल्व कर देंगे, तो क्या जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस, प्रिवेलिंग ईयर प्राइसेस या नॉमिनल जीडीपी, जो हो गया जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस या फिर बेस ईयर प्राइसेस या फिर रियल जीडीपी इनटू 100। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये 1.5 आ जाएगा क्या, यानी कि 150% आ जाएगा, ये क्या आ गया 150%। तो इसी तरीके से हो सकता है कि वो आपको कोई भी दो वैल्यू दे दे और तीसरी वैल्यू आपको कंप्यूट करने के लिए कहे। ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में एक नंबर का आता है। ठीक है, यहां पर मैंने मेरा रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट किया। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट एंड यू विल हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।